नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। क्या 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले फेसबुक खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही थी? क्या फेसबुक भारतीय जनता पार्टी और मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो साफ तौर पर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा था और चुनाव आयोग और फेसबुक दोनों खामोश थे, दोनों ने आंखें मूंद ली थी? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। दोस्तों, ये खबर सामने उभर कर आई है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद, और ये खबर छपी है अल जजीरा में। खबर क्या कहती है, उससे पहले मैं आपको दो विज्ञापन दिखाना चाहूंगा। इस विज्ञापन को आप देख सकते हैं, इस विज्ञापन को चलाने वाला है न्यू जे। ये न्यू जे क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर इन दो विज्ञापनों पर गौर कीजिए। पहला विज्ञापन जिसके जरिए यह आभास दिया जा रहा है, मानो यह खबर है, यह खबर नहीं है, यह विज्ञापन है। पहले विज्ञापन में कहा जा रहा है कि मालेगांव बम धमाकों के आरोप से मुक्त हो चुकी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से चुनाव लड़ने का टिकट दिया भाजपा ने। और दूसरा, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को अजहर जी कहा। बाद में यह भी प्रचार चलाया गया कि मौलाना मसूद अजहर को सही मायने में रिहा और उस पर नरमी बरतने का जो काम है वो कांग्रेस ने किया। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो दोनों खबरें हैं गलत हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आतंकवाद के आरोपों में अब भी प्रज्ञा ठाकुर फंसी हुई हैं। अदालत उन्हें जब भी बुलाती है, प्रज्ञा ठाकुर अदालत नहीं जाती हैं, कहते हैं मेरी तबीयत खराब है। यह बात अलग है कि तस्वीरों में उन्हें वॉलीबॉल खेलते देखा जा सकता है, नाचते हुए देखा जा सकता है, मगर अदालत नहीं जाती, यानी कि अब भी वो आतंकवाद के आरोपों में जकड़ी हुई हैं। मगर न्यू जे नाम की यह कंपनी यह भ्रामक विज्ञापन देता है फेसबुक पर खबर के नाम पर। उसी तरफ से आप जानते हैं कि मौलाना मसूद अजहर को रिहा किसने किया था? कांधार विमान अपचालन में, जिसमें हमारा जो विमान है वो नेपाल के काठमांडू में हाईजैक हो जाता है और कांधार उसको लेकर जाते हैं। उस वक्त सरकार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की थी और 5 आतंकवादियों को रिहा किया जाता है, उनमें से एक मौलाना मसूद अजहर। उस मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने का काम बीजेपी ने किया था, मगर न्यू जे टारगेट किसको कर रहा है? राहुल गांधी को टारगेट कर रहा है। अब आप जानना चाहेंगे ये न्यू जे है क्या, तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो ये खबर की है वो न्यू जे के बारे में क्या बताते हैं आपकी स्क्रीन पर। अ फेसबुक पेज कॉल्ड न्यू जे पेड फॉर बोथ द एडवर्टिजमेंट्स एज पर फेसबुक एड लाइब्रेरी, अ ग्राफिकल इंटरफेस टू ब्राउज एडवर्टिजमेंट्स प्लेस्ड अक्रॉस मेटा प्लेटफॉर्म्स। Facebook's parent company, NewJ, the acronym for New Emerging World of Journalism Limited, is a subsidiary of Jio Platforms, India's largest telecom and internet conglomerate, which is owned by Mukesh Ambani. NewJ ka full form hai New Emerging World of Journalism Limited. Aur NewJ ka malik ye shakhs Mukesh Ambani. इसे चलाती है जियो कंपनी। और इस न्यू जे को चलाने वाला शख्स कौन है? शलभ उपाध्याय। कौन शलभ उपाध्याय? जो कि इस शख्स उमेश उपाध्याय का बेटा है, जो कि रिलायंस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। और इस शख्स ने जो भी पत्रकारिता की है, वो तमाम जो पत्रकारिता की है वो ऐसा लगता है मानो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में की गई है। और शलभ उपाध्याय का जो चचा है वो है सतीश उपाध्याय, जो कि भाजपा के एक नेता हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या न्यू जे ने उन दो विज्ञापनों में जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया, या क्या फेसबुक ने ये बतलाया कि उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, या भारतीय जनता पार्टी उसकी मदद कर रही है? क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल नियम कानून क्या कहते हैं फेसबुक में विज्ञापनों को लेकर।
पब्लिशिंग सरोगेट और घोस्ट एडवर्टाइजमेंट्स दैट फेवर अ पॉलिटिकल कैंडिडेट बट आर नॉट डायरेक्टली फंडेड और ऑथराइज्ड बाय दैट कैंडिडेट इज अ क्राइम अंडर इंडियन लॉ. The law aims to hold political parties accountable for all the information they put out and prohibit use of unknown sources of money to pay for advertisements for election campaigns. इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी political party के पक्ष में विज्ञापन नहीं डाल सकता जब तक उस political party ने उसकी इजाजत ना दी हो या उस विज्ञापन के लिए पैसा ना दिया हो. सीधा सवाल. न्यू जे के पीछे ये आदमी है यानी कि मुकेश अंबानी. ये जो दो विज्ञापन जो सरासर भ्रामक थे जो सरासर गलत जानकारी दे रहे थे क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन विज्ञापनों की अनुमति दी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसका पैसा दिया? अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो न्यू जे का ये काम गैर कानूनी है और कानून के खिलाफ है. तो मेरे दो सवाल, फेसबुक ने इस बात की इजाजत क्यों दी? दूसरा सवाल, चुनाव आयोग क्यों खामोश है? दोस्तों, अल जजीरा में जो एक खबर आई है और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो एक खबर की है यह इनका सिर्फ पहला भाग है. अभी आने वाले दिनों में और भी मुद्दे सामने उभर कर आने वाले हैं. दरअसल अल जजीरा में जो पड़ताल हुई है वो पड़ताल यह भी बताती है कि फेसबुक में जितने भी विज्ञापन आ रहे थे उनमें से अधिकतर विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे और विपक्ष का लगातार मजाक उड़ा रहे थे. और यह जिक्र सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव का है. उसके बाद कई चुनाव हुए, बिहार के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए. उन तमाम चुनावों में क्या हालात रहे हम नहीं जानते. मैं आपको बतलाना चाहता हूं रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इसकी पड़ताल कैसे की. आप जानते हैं उन्होंने 5,36,000 विज्ञापनों को खंगाला और उन विज्ञापनों को खंगालने के बाद वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं. उनकी खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं. ओवर द पास्ट ईयर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव अ नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन इंडिया एन एड डॉट वॉच A research project studying political ads on social media analyzed data of all the 5,036,070 political advertisements placed on Facebook and Instagram from February 2019 through November 2020 to assess the influence of Facebook's political advertising policies on elections in India. यानी कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने करीब 5,35,000 विज्ञापनों को खंगाला और इसका मकसद क्या था वो पढ़ना चाहते थे कि फेसबुक के इन विज्ञापनों का हमारे चुनावों पर क्या असर पड़ता है. और जो मैंने अभी अभी आपको बतलाया उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि फेसबुक के विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे और विपक्ष के नेताओं में भ्रामक और झूठी जानकारी फैलाई जा रही थी. न्यू जे खबर के नाम पर विज्ञापन चला रहा था और उसने हमें यह नहीं बताया कि इन विज्ञापनों के लिए उसे बीजेपी की अनुमति मिली है या नहीं मिली है या बीजेपी ने इसे फंड किया है या नहीं किया है. और सबसे बड़ी बात, इस देश का सबसे धनी आदमी यानी कि मुकेश अंबानी क्यों भारतीय जनता पार्टी की खुलेआम मदद कर रहा था? हालांकि इस सवाल का जवाब देना और ढूंढना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मगर इससे पता चलता है दोस्तों कि इस देश के अंदर हमारे धन्ना सेठ, हमारे उद्योग, हमारे उद्योगपति और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बीच किस तरह की सांठगांठ है. आज इस देश की जनता से तो सवाल है ही, जिसको लगातार इन विज्ञापनों के जरिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है. बल्कि सवाल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं फेसबुक पर यह भी आरोप है कि उसने सिर्फ पैसे के लिए, भारत के अंदर सिर्फ पैसे के लिए और ताकि उस पर लोग आते रहें, उसे व्यूज मिलते रहें, सांप्रदायिक तौर पर भड़काने वाले कई पेजेस को नहीं हटाया. ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों, ऐसे कई नेता जो अपने पेजेस के जरिए भड़काने वाले बयान करते थे
या भड़काऊ काम करते थे, इन तमाम चीजों को फेसबुक ने हटाया नहीं। यह आरोप उन पर पहले भी लग चुके हैं और अब यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुकेश अंबानी की न्यू जे के साथ मिलकर फेसबुक भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा था। मेरा सीधा सा सवाल, आखिर क्यों? और मेरा सवाल कांग्रेस से भी। यह बात स्पष्ट हो जाती है इस विज्ञापन के जरिए कि यहां पर राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी इससे पहले मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बारे में बयान देते रहे हैं, चाहे रफाल का मुद्दा हो, चाहे किसान का आंदोलन हो, वो हमेशा इन औद्योगिक समूहों की आलोचना करते रहे। जैसे कि आपको याद होगा, संसद के अंदर उन्होंने खुलेआम इन उद्योगपतियों पर हमला किया था। मगर मेरा सवाल कांग्रेस के उन तमाम नेताओं से है, क्या आज जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला हुआ है, क्या कांग्रेस के तमाम नेता आएंगे, सार्वजनिक तौर पर बयान देंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनमें से कई नेता हैं जिनके पीछे इन उद्योगपतियों का हाथ है, इन्हें संरक्षण मिलता रहता है उन उद्योगपतियों का, उन उद्योगपतियों का आशीर्वाद भी मिलता रहता है, क्या कांग्रेस के नेता खामोश रह जाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। हम यहां न्यूज क्लिक पर आपके सामने मुद्दा तो ला रहे हैं, मगर इस मुद्दे को मजबूती से कांग्रेस को भी उठाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोहरे मापदंड के चलते कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश हो जाए, क्योंकि साफ तौर पर हम जानते हैं कि पर्दे के पीछे राजनीतिक पार्टीज और औद्योगिक समूहों के बीच में किस तरह का तालमेल होता है। इन प्रश्नों से आप मुंह नहीं फेर सकते। दोस्तों, मैंने इस मंच पर आपको लगातार बताया था कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी चुनाव आयोग ने किस तरह का पक्षपाती रवैया अपनाया। यानी कि जब भूपेश बघेल चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ तो FIR होता था, मगर जब अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करते हैं और कोरोना के दिशा निर्देश ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार भड़काऊ बयान दे रहे थे कि ये चुनाव 80 बनाम 20 है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपने मंचों से माइनॉरिटीज को धमका रहे थे, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को धमका रहे थे, मगर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तमाम चीजें मैं आपके सामने क्यों बतला रहा हूं? इन तमाम चीजों को बतलाने का मकसद सिर्फ एक है कि हमारी व्यवस्था में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है, बराबरी नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकी हुई है, जैसा कि आज मेरा यह शो प्रमाणित करता है। ऐसे में बात एक बात तय है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सिस्टम पर जो कब्जा कर रखा है ना, उसके बाद किसी भी चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उससे मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सिस्टम पर जो उन्होंने कब्जा कर रखा है उसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि EVMs के अंदर धांधली हो सकती है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, मगर वोटर्स लिस्ट में किस तरह की धांधली हो सकती है, कुछ लोगों को वोटर्स लिस्ट से हटाया जा सकता है, कुछ लोगों को पोलिंग बूथ पर धमकाया जा सकता है, ये तमाम चीजें तथ्य जरूर हैं। ऐसे में चुनाव किसी भी सूरत में निष्पक्ष नहीं हो सकता। मैं नहीं जानता हूं कि हम इससे कैसे निकलेंगे, देश इससे कैसे उभरेगा, क्योंकि जब तक ये व्यवस्था कायम रहेगी तब तक ये अन्याय, ये नाइंसाफी बनी रहेगी। इसका समाधान सिर्फ यही है कि मीडिया आपके सामने असली तस्वीर लाए, जो मैं अपने इस मंच से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।